बनास नदी से अवैध बजरी खनन और परिवहन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की बनास नदी से सफेद सोने का काला कारोबार खनन और साथ ही परिवहन खाकी की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को बनास नदी से बजरी खनन और साथ ही परिवहन पर रोक लगा दी थी, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि क्या यहाँ पर माइनिंग होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये खनन पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग को नजर नहीं आती। पुलिस की कार्यशैली को तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक समीर सिंह ने मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन रोकने के लिए पुलिस के साथ आरएससी का जाब्ता तैनात कर नाके स्थापित किए। लालसोट के कोटा हाईवे पर खिरनी मोड़ पर लगे नाके की तस्वीरें हैं, जहां पर रात के अंधेरे में किस तरह से खाकी के सामने ही धड़ल्ले से अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है, मगर इन वाहनों को किसी ने नहीं रोका और साथ ही ना टोकने की जहमत उठाई। जिम्मेदार किस तरह से पैसा लेकर इनको धरती का सीना चीर कर लोगों को लूटने का लाइसेंस दे रहे हैं, ये भी ये तस्वीरें बयां कर रही है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते ही बजरी परिवहन हो रहा है।